संभल पुलिस ने दो चोरों को पकड़कर भेजा जेल, एक चोर भागने में रहा सफल। संभल पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी गुन्नौर के सरोज के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत रजपुरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्ति वाहन करते हुए बसंतपुर से पतेई नासिर रोड पर जितेंद्र उर्फ जीतू, पुत्र श्रीपाल शैलेंद्र, पुत्र महिपाल निवासीगण भीकमपुर जैनी थाना रजपुरा जिला संभल, अभियुक्त राजेश यादव पुत्र नामालूम निवासी बमनपुरी थाना बहजोई जिला संभल मौके से भाग जाने में सफल रहा। अभियुक्तगणों से 11 मोबाइल हीरो स्प्लेंडर प्लस काले रंग की बरामद हुई। इसके संबंध में पुलिस स्टेशन पर कई मुकदमे पंजीकृत हैं। जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि 29 सितंबर को समय 4:30 बजे ग्राम सेमरी के आगे सड़क किनारे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, जिस पर एक लेडीज बैग रखा था। मोटरसाइकिल से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति शौच को गया था और महिला भी शौच को गई थी। हम दोनों ने बैग को चोरी कर भाग गए थे, जिसमें एक जोड़ी कुंडल सोने के, एक जोड़ी खंडवा हाथ के व कूल्हा चांदी का रखा था। इस संबंध में संगीन धारा में मुकदमा पंजीकृत है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि इनके खिलाफ कार्यवाही करके जेल भेज दिया गया है। कल दिनांक रात के समय पुलिस ने चेकिंग लगाई थी। चेकिंग के दौरान जितेंद्र उर्फ जीतू और उसका मित्र चोलेंद्र ये गिरफ्तार हुए। जितेंद्र हमारे थाना राजपुरा में पहले से भी एक गैंगस्टर के मुकदमे वांछित चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से एक चोरी की बाइक बरामद हुई, जिसके बारे में जानकारी की गई तो वह बाइक गौतम बुद्ध नगर में थाना फेज 3 में मुकदमा अपराध संख्या 771/20-389 पंजीकृत किया, वहाँ की चोरी करके लाया था। इसके बाद और उसके पास से तलाशी ली गई तो उसके पास से अवैध तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। और भी उसे कड़ाई से पूछताछ की तो हमारे थाना गुन्नौर में थाना रजपुरा में चोरी की 416/20 जो चोरी हुआ था, उस चोरी का माल इसके पास से बरामद है, जिसमें से चांदी की बिछिया और पैसे नहीं बरामद हुई है। आज उन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।